देखिए यहाँ पर अभी ये जो पर्टिकुलर है सेक्शन, मॉड्यूल सेक्शन, ये आपका मार्केट प्लेस की तरह है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स दिख जाएंगे विद प्राइजेस एंड ऑल, और कोई फ्री भी होते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्री भी है। एंड अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंस्टॉल्ड मॉड्यूल कौन कौन से हैं अपने पर्टिकुलर थीम के अंदर, या फिर पर्टिकुलर प्रेस्टाशॉप इंस्टॉल्ड जो हुआ है अभी करंटली। तो ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलते हैं इंस्टॉलेशन के बाद में, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल्स हैं ये हमारे डैशबोर्ड, मतलब जो एडमिन पैनल है उसके मॉड्यूल्स हैं। तो ये जो एडमिन पैनल है वो भी पूरी तरीके से कस्टमाइज हो सकता है। सो इट्स नॉट लाइक आपको ये पर्टिकुलर मेन्यूज यहाँ पर दिख रहा है, आपको इसके अंदर भी कुछ ऐड करना है, और सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, इज़ प्रेटी गुड। और अगर आपको डैशबोर्ड भी चेंज करना है, डैशबोर्ड के ऊपर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही दिखानी है, आपको करेंसी दिखानी नहीं है, ऊपर में प्रॉफिट दिखाना नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। और उसके बाद में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, विजिट्स एंड विजिटर्स, सर्च इंजन, चार्ट्स जैसे मैंने आपको बताया था, बैंक ट्रांसफ़र, शॉप सर्च, उसके बाद में कैटलॉग इवेल्यूएशन, न्यूज़लेटर्स, पेज नॉट फॉर्म का स्पेसिफिक आपको अगर पेज बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो, करियर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में सेल्स एंड ऑर्डर्स, विजिटर ओरिजिन। तो ये सारे आपको मैंने बताया था, देखिए आपके स्टैट्स के बारे में, स्टैट्स में देखा था आपने विजिटर ओरिजिन, विजिटर ऑनलाइन, रजिस्टर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, बाद में डैशबोर्ड एक्टिविटीज़, कैटलॉग स्टैटिस्टिक्स, कस्टमर अकाउंट, अवेलेबल क्वान्टिटीज़, बेस्ट सप्लायर्स एंड ऑल, ओके। और ये जो है ये 19 मॉड्यूल्स जो है वो थीम के मॉड्यूल्स है। तो लैंग्वेज सेलेक्टर ब्लॉक है, तो ये देखिए मे बी यहाँ पर है कि नहीं पता नहीं, एनेबल्ड नहीं है शायद, ओके। उसके बाद में कौन सा है, कैटेगरी ट्री लिंक, उसके बाद में कस्टम टेक्स्ट ब्लॉक। तो ये जो है ये कस्टम टेक्स्ट ब्लॉक है, ठीक है। कौन सा है वो बेसिकली ये देखिए कस्टम टेक्स्ट ब्लॉक। और बैनर, तो ये बेसिकली बैनर है, ठीक है, ये भी बैनर है, ओके। और उसके बाद में लिंक लिस्ट, ओके। सो लिंक लिस्ट इज़ लाइक सेवरल लिंक्स टुगेदर, यू हैव पुट इन ऑन द फुटर ऑल्सो, यहाँ पर आप देख सकते हो फुटर के अंदर ये जो है वो पर्टिकुलरली लिंक लिस्ट है। तो लिंक लिस्ट इसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग के जैसे नहीं है लिंक लिस्ट, इट्स डिफरेंट लिंक लिस्ट ओवर हियर, ऑलराइट, इट्स अ स्टैंडर्ड लिंक लिस्ट, ऑलराइट। सोशल मीडिया, अपने इमेज स्लाइडर, शॉपिंग कार्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेन मेन्यू जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये जो है मेन मेन्यू, यहाँ से आप ये पर्टिकुलर मेन्यू को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कि मैं इसको कॉन्फिग करके बता रहा हूँ क्विकली। फिर देखिए वुमेन वाला आइटम यहाँ पर ऐड कर दिया है पहले से ही। अभी मुझे अगर होम ऐड करना है यहाँ पर और होम को ऊपर लेके जाना है, सो व्हाट आई डू, जस्ट शिफ्ट दैट थिंग एंड सेव इट। सेव करने के बाद जस्ट रिफ्रेश इट, आई विल बी गेटिंग होम ओवर हियर। और होम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, डिलीवरी है, लीगल नोटिस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ब्ला 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 स्टफ्स। अगर आपको खाली होम ऐड करना है, ठीक है, तो वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक न्यू लिंक ऐड करनी पड़ेगी। लेबल होगा उसका होम और URL होगी उसकी, लेट्स से अभी अपना फोल्डर जो है वो V3 है, ठीक है ना, तो V3 के अंदर हम डालेंगे उसको, ये देखिए v3/index.php। एंड न्यू विंडो में नहीं खोलना है हमें ये पर्टिकुलर लिंक, उसी विंडो में खोलना है। सेव करने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, सॉरी यहाँ पर ये HTTP इसको एडिट करते हैं थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा इशू है इसके अंदर, गूगल URL डालना पड़ता है, ओके। सो http://mystyling.in/v3 सेव। ये देखिए अभी आ गया प्रॉपरली। और उसके बाद में आपको इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए मेन्यू टॉप लिंक्स, इसको ऐड कर दीजिए और इसको रिमूव कर दीजिए, खत्म। और इसको थोड़ा ऊपर डाल दीजिए, सेव कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर जैसे आपको पहले दिख रहा था ये पर्टिकुलर ऑप्शन सारे, तो वो नहीं दिखेंगे, रिफ्रेश कर दीजिए, एंड यू विल बी गेटिंग टू दैट पर्टिकुलर पेज, ओके। ये देखिए होम पेज पे आ गए। तो इतना सिंपल है मेन्यू भी ऐड करना, और इसके अंदर ये काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है कि आप अगर कैटेगराइजेशन प्रॉपर करते हो, तो देखिए यहाँ पर ये जो होम कैटेगरी है उसके बाद में, अभी मैं अगर इस पर्टिकुलर टॉप को अलग निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो भी हो सकता है, और टॉप के अंदर